नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि मेरे पास एक लेमिनेटर जो होते हैं लेमिनेशन करने वाली मशीन, उसका बहुत सारा सामान है मेरे पास। तो ये देखिए, उसका टेम्परेचर मीटर है, तो मेरे पास दो लेमिनेटर मशीन है जो उसका सामान है। तो आज मैं सब कुछ इसको दिखाने वाला हूँ, और अगर किसी को ये सामान चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो भेजूँगा और प्राइस वगैरह भी सही लगा दूंगा। और ठीक है दोस्तों, तो ये मोटर है उसका, ठीक है, मोटर भी होता है क्योंकि उसमें रोटेट करता है, और ये सर्किट है उसका जो पूरा ऑपरेट करता है। तो दो सर्किट है मेरे पास, ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें से एक सर्किट बेकार है, वो मैंने उसका कुछ कंपोनेंट निकाल लिए। और ये इसका मेन पैनल है जिससे हम ऑपरेट करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर, और ये कुछ स्विच वगैरह लगे होते हैं इसके अंदर। और ये दूसरे का सर्किट पैनल है, इसमें से भी मैंने कुछ कंपोनेंट निकाल लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मोटर है, ये दूसरे का मोटर है, दो थे तो दोनों का निकाल लिए। दो मोटर हैं, दो सर्किट हैं, और सब कुछ डबल डबल है। और एक लेमिनेटर जो था उसमें टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगा हुआ था, तो टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए, सारा कुछ सामान है ये। तो दोस्तों, अगर इसमें से कोई भी आपको सामान चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, और वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, अपना एड्रेस वगैरह मेरे बात कर सकते हैं मेरे से, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों मोटर हैं, और ये मोटर जो होती हैं गियर वाली मोटर होती हैं, BLDC मोटर होती हैं, बहुत ही पावरफुल मोटर होती हैं ये। और ये डायरेक्ट AC चलती हैं, देख सकते हैं इसमें चार वायर हैं, ठीक है, दो येलो हैं, ग्रीन और रेड कलर का, इसमें गियर लगा हुआ होता है। तो आप अगर हाथ से घुमाना चाहें तो नहीं घुमा सकते, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मोटर होती है, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं हाथ से घुमाना चाहूँ इसे नहीं घुमा सकता, क्योंकि इसके अंदर गियर लगे होते हैं और ये नहीं घूम पाएगी, तो इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये दो मोटर हैं, तो मैं इनको साइड में रख देता हूँ, और मैं आगे की चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये कंट्रोलर होता है, मतलब मेन इसका जो पैनल होता है कंट्रोल करने वाला, वो ये होता है, इसमें दो स्विच लगे हुए, दो LED और एक कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम लगा है, ठीक है। तो इसका एक स्विच मैंने निकाल लिया है, ये तो फिलहाल जब भी मुझे कोई चीज़ कंपोनेंट जरूरत पड़ती है मैं निकाल लेता हूँ, लेकिन एक लेमिनेटर का पूरा सर्किट मेरे पास है, मोटर वगैरह और उसका कंट्रोलर सर्किट, ये सर्किट एकदम ओके है, मैंने इसे वर्क करके भी देखा था। और ये दूसरा सर्किट जो देख रहे हैं आप वाइट कलर का, ये सर्किट के कंपोनेंट कुछ मैंने निकाल लिए हैं, काम नहीं करेगा, लेकिन एक सर्किट पूरा ओके है, दो मोटर ओके हैं, कंट्रोल पैनल ओके है, और मीटर भी ओके है। तो इनमें से आपको कोई भी अगर चीज़ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और प्राइस की टेंशन नहीं लीजिएगा, प्राइस वगैरह भी सही लग जाएंगे, क्योंकि ये दो लेमिनेटर जो थे मैं स्क्रैप यार्ड से मुझे मिले थे, तो वहाँ से मैं उठा के लाया था, तो उससे निकालें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा ज़रूर। ये सर्किट बहुत ही अच्छा लग रहा था, ग्रीन कलर में, और PF वगैरह रिले सब कुछ लगा हुआ है, ओके एकदम। और ये इसका कंट्रोलर है, और ये इसकी मोटर है, ये तीनों एक साथ है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें से कोई भी चीज़ अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा ये। और ये मीटर का स्टैंड है जो लगा हुआ था इसमें, कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से था, इस तरह से लगा हुआ था, पीछे की ऊपर की तरफ रही है नीचे से, और सेंटीग्रेड लिखा है, C4 सेंटीग्रेड होता है, एक टेम्परेचर बताने के लिए होता है कि ये बस, और कुछ नहीं होता इसका, जिससे कि टेम्परेचर कंट्रोलर अच्छे से बना रहे, ठीक। और ये सर्किट हो गया, और इसमें कुछ और भी होता है, एक सेंसर होता है जिससे कि सेंसर से हीटिंग पता चलती, और हीटिंग के पता चलती है हमारा जो लेमिनेटर होता है बंद हो जाता है कंट्रोल की इतनी सेंटीग्रेड है। तो ये जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है सेंसर, ठीक। इस सेंसर के जरिए हम क्या करते हैं, अपने लेमिनेटर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, दो सेंसर होने चाहिए थे, तो एक सेंसर और भी होगा इसमें, देखता हूँ मैं, ये देख, ये फंसा हुआ है यहाँ पे एक सेंसर, क्योंकि दो का ये, तो ये सेंसर मैं यहाँ से निकालता हूँ, अभी इसको दिखाता हूँ फिर आपके लिए। टोटल दो सेंसर हैं, अगर सेंसर भी चाहिए आपको तो सेंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो खाली इस तरह से ये सेंसर भी हमने निकाल ली, इसके अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस टाइप का लगा हुआ है जो सेंस कर लेता है हीटिंग के लिए, और इसी से ये ऑपरेट हो जाता है। तो फाइनली गाइज, मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है, और कुछ भी समझना है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ भी चाहिए इसमें से आपको, ज़रूरत हो कोई प्रोजेक्ट के लिए तो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ओके गाइज।
तो फाइनली वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और ये दो सर्किट, ठीक है, ये सर्किट एकदम ओके और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है गाइस, इस तरह से। तो अब क्या करना है, वीडियो करते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मीटर 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है, टेम्परेचर आता है, ये मोटर हो सकता है आने वाले टाइम में मैं इस मोटर को खोल के भी आपको दिखाऊं वीडियो में, क्योंकि ये मोटर मुझे लग रहा है मुझे खोलनी पड़ेगी ये, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे ही वीडियो देखना चाहता हूँ। अगर आपको भी ऐसे वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कर दी, कमेंट कर दी। मैं इस मोटर को खोल के जरूर दिखाऊंगा, इसमें कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, मिट चुका है, ठीक है। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कोई दिख बहुत हल्का हल्का रहा था। तो फाइनली गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में क्या करना है आपको, बेल का आइकन ऑल पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।